हेलो एवरीवन वेलकम टू राई स्मार्ट दिस इज हरविंदर क्रोनी और हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं जानना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जब आप बैठे तो आपको लगना चाहिए कि यस हर जो क्वेश्चन है आप लोगों ने क्लास में ले रखा है उसको कर रखा है आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं ताकि आप अच्छे से मार्क्स ले सकें तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे स्पेशली हम शुरुआत करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से इसी में हम लोग ई भी करेंगे इसी में हम सिनोनिम्स भी करेंगे और प्लस जो हमारे एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम साथ साथ करते हुए चलेंगे एंड मीन वाइल आई कैन सी भटकती आत्मा हैज जॉइंड ओके तो इस आत्मा को नमस्कार तो चलिए भाई uh, जो आत्मा है वही परमात्मा के अंदर विलीन होती है कोई बात नहीं है और आत्मा का ही सारा खेल है तो फिलहाल आपकी उस आत्मा को नमस्कार मीन वाइल आई कैन सी सोमन ऑल्सो ज्वाइन वेलकम डियर तो आज हम शुरुआत करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से हमारे पास आज वो कैब भी रहेगी प्लस एरर फाइंडिंग के अंदर हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे तो पहला हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जो आज का है बड़े ध्यान से करिएगा ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं चलिए भाई सबसे पहला देखिए हमारे पास एक वन वर्ड सब्सिट्यूशन देना है एक शब्द देना है अनेक शब्दों के स्थान पर अ पावरफुल एंड इंफ्लुएंशियल पर्सन ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा पावर भी होती है और वो अपनी इन्फ्लुएंस के द्वारा बड़े सारे कार्यों को करवा लेता है तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड जो है आप में से कौन करने वाला है आप पावरफुल एंड पर्सन ऑलवेज रॉक वेलकम डियर वेलकम कोशिश कीजिएगा जितना रेगुलर रहेंगे उतनी ही चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और यह वादा रहा कि आपको जितनी चीजें करवाऊंगा जो भी एग्जाम देंगे आप वन एग्जामिनेशन में जहां जहां पर आप इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं आपको यहां से मिल जाएंगे राइट right. हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को जो भी दिया जाए वो ऐसा होना चाहिए जो उनके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करे। यहां पर अगर हम देखें तो पहला वर्ड हमारे पास सेवेंट लिखा हुआ है सेवेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी एक विषय में विद्वान होता है पर्टिकुलरली किसी एक साइंस या आर्ट के अंदर जो विद्वान होता है उसे सेवेंट कहते हैं राइट मैग्नेट इज द राइट वर्ड मैग्नेट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो पावरफुल भी है जिसके अंदर क्या है इन्फ्लुएंस करने की ताकत भी है वेलकम शारदा वेलकम यहां पर आपने देखा अब तीसरा वर्ड भी देखिए एडिमोनिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का अर्थ होता है वो जो आत्माओं या प्रेत आत्माओं में यकीन नहीं रखता जो भूत प्रेतों के अंदर यकीन नहीं रखता हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेविल और डीम तो उनके अंदर जो यकीन ही रखता उसे एडिमोनिस्ट कहते हैं उसके बाद है लेपिडिस्ट अब बात आते ये लेपिडिस्ट क्या होता है वो व्यक्ति जो कीमती पत्थरों को तराशने का कार्य करता है वन हु कट्स द प्रेशर स्टोन इज नोन एज लेपिडिस्ट तो आपको यहां पर मैंने चारों वर्ड्स बताए हैं प्लीज ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट जो है वो इसका आंसर है सेवेंट विद्वान को कहते हैं एडिमोनिस्ट जो भूत प्रेतों आत्माओं में यकीन नहीं रखता है और जो कीमती पत्थरों को तराशने का कार्य करता है तो उम्मीद करता हूं आपको चारों के चारों वर्ड जो है यहां क्लियर हो चुके होंगे आगे बढ़ते हैं नंबर टू पे और कंप्यूटर जी एक बार देख लीजिएगा शायद एसी नहीं चल रहा है प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ओके राइट भट ये आत्मा कह रहे हैं आत्मा में विश्वास करना चाहिए नहीं तो आ, हमारा क्या होगा कोई बात नहीं बेटा देखिए हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में इसलिए किसी के ऊपर आप अपनी जो सोच है ना वो इम्पोज नहीं करो हर एक को अपने अपने ढंग से जीने दो राइट तो चलिए भाई आगे करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट वो चीज जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित होती है ठीक है ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को तो उस आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उस चीज को हम कहते हैं एम्पीरिकल तो आपका आंसर है यहां पे एम्पीरिकल अगर आप में से आप में से जैसे अभी अभी कीर्ति सिंह ने आंसर दिया अभी अभी मैंने देखा योर आंसर इज करेक्ट एंड ऑफ कोर्स सुमन योर आंसर इज करेक्ट ठीक है बहुत बढ़िया यस डियर आ, बार बार ये बोलना अजीब सा हो जाता है कि भटकती आत्मा एनी वे इफ यू वुड यूज द वेरी नेम ऑफ योर देखिए बेटा जिसका जो भी आप ये नाम यूज कर रहे हैं अगर आप अपना नाम यूज करेंगे ना बड़ा अच्छा लगेगा उसका रीजन है यानी जो नाम होता है ना वो आपकी आइडेंटिटी होती है वाई हाइड योर नेम यूज योर नेम बिकॉज योर नेम इज योर आइडेंटिटी आपका नाम ही आपकी पहचान बनता है तो मैं तो ये चाहूंगा अभी के अभी आपने रियल नेम से आप ज्वाइन करें चलिए राजीव कुमार जी गुड इवनिंग वेल से नमस्कार वेरी नाइस वेरी नाइस वेलकम ऑल द टाइम गाइस वेलकम ऑल द टाइम मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं आज से जो ये कोर्स शुरू कर रहा हूं जितनी भी चीजें मैं आपको चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो चाहे वो आपके वो सेक्शन से हो वो सेक्शन में चाहे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो ईडीएमस हो सिनोनिम्स हो फिल इन द ब्लैंक्स हो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन हो हर चीज को जहां जहां आप कहेंगे मैं उसी के बारे में पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं और आपको कहीं और कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े कोई बात नहीं बेटा शमशान से भी क्लास लेने का एक अपना ही आनंद होगा कोई बात नहीं भगवान आपको लंबी उम्र दे आ, पता नहीं ऐसा क्यों सोच के ऐसा ऐसा लिखते हैं एनी वे गॉड ब्लेस यू बेटा यहां पर देखिए बेटा सभी बच्चे देखना कॉन्जीनियल लिखा हुआ है कॉन्जीनियल का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे ठीक है कॉन्जीनियल का मतलब हो जाता है प्लेजेंट और फ्रेंडली जैसे इन कंपनी ऑफ कॉन्जीनियल फ्रेंड्स तो किस कंपनी में थे ऐसे दोस्तों में जहां अच्छा फील होता है ओके okay. मकबा कहते हैं ड्रावना फ्राइटनिंग और अपराइट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है ऑनेस्ट होता है उसे हम अपराइट पर्सन कहते हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बाकी के शब्दों के बारे में भी मीनिंग मिल जाए उनकी हिंदी मिल जाए ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सके शारदा कुछ कह रहे हैं उनकी बात समझो ओके जी जी सुमन इग्नोर इट बेटा इग्नोर इट कोई बात नहीं आ, ये ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कई बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सामने कौन है उनकी उम्र कितनी है कि क्या उसमें मजाक ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो फिर बेटर है कि आप इग्नोर कर दीजिए ठीक है मेरे को एक मिनट लगेगा मेरे को एक मिनट लगेगा कि मैं उनको ब्लॉक कर सकता हूँ पर मैं नहीं चाहता मैं चाह रहा हूँ कि हंसी मजाक में अगर बच्चा ज्वाइन कर रहा है अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको चीज़ों को सीख लेने दो ठीक है इसलिए इग्नोर करें आप लोग एनीवे वे anyway, यहाँ के जो भी वर्ड आपको ना समझ आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा नेक्स्ट करते हैं नंबर तीन और नंबर तीन पे हमारे पास हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स ऐसा व्यक्ति जिसकी हैबिट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती है अजीबोगरीब होती है जैसे मान लीजिए आपके लिंक में एक ऐसा व्यक्ति है वो एक कप चाय में एक कप चाय के अंदर तीन चार चम्मच बटर डाल के पीता है एक कप चाय के अंदर वो तीन चार चम्मच हाँ बटर की डाल के पीता है तो आपको लगता है यार कितनी अजीब सी आदत है ना चाय में मक्खन डाल के पी रहा है तो कैसी आदत होगी वेरी स्ट्रेंज तो ऐसे व्यक्ति को हम एक्सेंट्रिक कहते हैं ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं यस कीर्ति थैंक यू फॉर राइटिंग बेटा यस सुमन ध्यान देना ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं एक्सेंट्रिक कहते हैं जिसको हम आ, दूसरे शब्दों में एम ए डी मैड कैप भी कहते हैं और इसी के लिए हम इडियोसिनक्रेटिक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं इसी के लिए हम इडियोसिनक्रेटिक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं एनी anyway, आगे बढ़ेंगे हम लोग और हमारे पास इसी में आप देख सकते हैं यू कॉल इट स्ट्रेंज हैबिट्स का हो गया डेलिंगक्वेंट क्या होता है आप में से किसी ने यह वर्ड पढ़ा हो डेलिंगक्वेंट शाबाश बेटा शाबाश सभी ट्राई करो अगर आपने ये वर्ड पढ़ रखा है तो ट्राई टू तो गिव मी द मीनिंग जैसे आप कौन आप लोगों ने हो सकता है मेरी क्लासेस के अंदर कॉक्सकॉम सीखा हो क्योंकि हम कॉक्सकॉम शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मैंने करवा रखा है कॉक्सकॉम जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है कॉन्सीटेड होता है ठीक है प्राउड की उसके अंदर फीलिंग होती है कैटी जो होते हैं वो लोग होते हैं जो स्पाइटफुल होते हैं जिनके अंदर एक बहुत ज्यादा जिनके दिलों में जहर होता है ठीक है दूसरों का अच्छा नहीं चाहते हैं तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान दें अगर आप लोगों ने वर्ड नहीं पढ़ रखा है तो डलिंकवेंट को याद रखना बाल अपराधी होता है ना छोटी अवस्था में जो अपराध कर देते हैं ठीक है तो उस क्रिमिनल को उस क्रिमिनल को ठीक है उस अपराध करने वाले को हम डलिंक्वेंट कहते हैं तो अपराधी के लिए यूज किया जाता है थैंक यू कीर्ति थैंक यू फॉर राइटिंग यस चलिए मैं वेट कर रहा था इतनी देर में फिर मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया आगे बढ़ते हैं नंबर फोर पे और यहां पर है प्रैक्टिस ऑफ लाइंग ये थोड़ा सा टफ वर्ड होता है लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी है ध्यान देना पड़ेगा प्रैक्टिस ऑफ लाइंग ये वो लोग होते हैं जैसे कोर्ट रूम में जाकर ठीक है जैसे होता है ना गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा वो सच नहीं कहते झूठ बोलते हैं कसम खाने के बाद तो उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं तो कसम खा के झूठ बोलना उसे हम कहते हैं परजरी उसको हम कहते हैं परजरी ओके okay, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं न्यूसैंस न्यूसैंस वर्ड को हम यूज करते हैं जैसे छोटे छोटे मीनिंग्स के बारे में जानकारी होना साउंड्स की जानकारी का होना न्यूसेंसेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमें पता होना चाहिए डिफरेंस जो होते हैं छोटे छोटे डिफरेंस उनके बारे में जानकारी होना चाहिए मौकरी के अंदर हम रेडिक्यूल करते हैं किसी का उपहास उड़ाते हैं किसी की हंसी उड़ाते हैं ठीक है एंड फ्लैवीनेस के अंदर क्या होता है जो व्यक्ति थोड़ा सा फैट भी होता है ठीक है और उसकी जो फैट uh, जो है ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा होता है ठीक है तो प्लीज ध्यान से करिएगा इन सारे के सारे शब्दों को ताकि uh, जो मेन वर्ड है वो मैं बता देता हूँ और बाकी के इस बारे में भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जानकारी मिलती जाए ठीक है अगर कोई भी डाउट आता है तो ऑफकोर्स यू कैन राइट डाउन तो मैं उसको आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा और राइट right, आगे बढ़ते हैं नंबर पांच पे और यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ क्वाइंस आपने देखा होगा कि कई लोगों की एक हॉबी होती है आज के ज़माने में तो ये ऐसी हॉबीज खत्म हो गई हैं पुराने जमाने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि उस समय ये इंटरनेट या इस टाइप के जो हमारे फ़ोन के अंदर इतनी हज़ारों गेम्स और पता नहीं क्या क्या आ चुका है तो आज का जीवन जो है मोबाइल तक ही सीमित हो गया है ठीक है तो पुराने जमाने के अंदर लोगों को बड़ा होता था कि कोई माचिस की डिब्बी होती है उनको इकट्ठा करता था कोई क्वाइंस को कलेक्शन करता था उसी तरह से कोई लोग स्टैम्स को इकट्ठा करते थे स्टैम्स को इकट्ठा करना फिलेटले कहलाता है स्टैम्स ठीक है न्यू मिजमेटिक होता है क्वाइंस को इकट्ठा करना क्वाइंस को इकट्ठा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यू मिज्मेटिक राइट तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स आपके आते चले जा रहे हैं उनको ध्यान से करिएगा थैंक यू फॉर राइटिंग कीर्ति सिंह जी राजीव कुमार कह रहे हैं ए फ्लैटले बेटा फ्लैटले ए जो है वो स्टैम्प्स के लिए यूज होगा स्टैम्प्स के लिए ठीक है राजीव और क्वाइंस के लिए क्वाइंस के लिए सिक्कों के लिए आप न्यू मिजमेटिक न्यू मिज्मेटिक का इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज आगे बढ़ेंगे ये थे हमारे फाइव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले शब्द अब बारी है आपकी आप देख सकते हैं हम लोग यहां पर ईडियम को शुरू करने जा रहे हैं हर ईडियम आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगी मैं सिर्फ वही चीजें करवाऊंगा जिनके आने के एग्जाम में पूरे चांसेस रहते हैं तो पहला है गो द होल हॉग कीर्ति दैट्स वंडरफुल साउंड ग्रेट आज के जमाने में अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज uh, जब मैं मेट्रो में सुबह आता हूं तो कई बार देखता हूं कि लोग जो हैं यानी पूरी की पूरी रो में सिर्फ और सिर्फ फोन में ही सीमित होते हैं बड़े ही रेयर चांस पे कोई लगता है कि कोई किताब पढ़ता हुआ नजर आता है तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि स्टिल अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यानी चाहते हैं कि उनका जो टाइम जो है एक हेल्दी मैनर में बीते ना कि टाइम पास हो तो एनी गो द होल हॉक मान लीजिए आपका कोई एक्स वाई जेड फ्रेंड जो है वो एक कमरे को डेकोरेट कर रहा है आप उसको जाके कहते हो यार वाई वाई यू आर डेकोरेटिंग वन रूम यू कैन वाई नॉट गो द होल हॉग वाई नॉट गो द होल हॉग सारा का सारा ही क्यों नहीं कर देते जितना पॉसिबल हो सकता है डू एवरीथिंग पॉसिबल जितना हो सके सारा का सारा ही डेकोरेट कर दो शारदा हैज गिवन द आंसर बी कीर्ति हैज गिवन द आंसर बी सुमन हैज गिवन द आंसर बी एंड राजीव कुमार हैज्सो गिवन द आंसर बी थैंक यू गाइज यू वेरी मच चलिए भाई बहुत बढ़िया कीर्ति एंड रेस्ट ऑफ यू गाइज एंड एवन स्टडी अरुण कुमार सेलकम डियर एंड थैंक यू फॉर गिविंग दंसर एंडी श्रीवास्तव नमस्कार गुड टू सी यू गुड टू सी यू चलिए भाई तो गो द होल हॉक सभी को समझ आ जाना चाहिए कि हर संभव प्रयास कर लेना हर चीज को कर लेना वाई नॉट गो द होल हॉक जैसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया आगे बढ़ते हैं नंबर सेवन पे और यहां पर है फ्लाई ऑफ द हैंडल अगर मैं लिखता हूं ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल क्विकली मान लीजिए आप आ, अपने बॉस को आप एक जगह जॉब करते हैं आपको अपने बॉस का नेचर पता है कि एक मिनट में गुस्से में आ जाता है ठीक है कोई नया नया व्यक्ति जो है आपके ऑफिस में ज्वाइन किया है और वो कह रहा है आप उसको समझाते हो थोड़ा सा अपनापन से आप उसे बोलते हो भाई बी केयरफुल क्योंकि द चेयरमैन जो है जिसको तू मिलने जा रहा है या बॉस जिसको तू मिलने जा रहा है फ्लाइज ऑफ द हैंडल क्विकली एक मिनट में उखड़ जाता है एक मिनट में गुस्से में आ जाता है एक मिनट में रिएक्ट कर देता है तो आप उस सामने वाले को बता रहे हो कि बॉस का नेचर इस प्रकार का है तो उम्मीद करता हूं जैसे मैंने आपको यह सारा समझाया चीजों के द्वारा और आप लोगों का आंसर ऑलरेडी डी आ रहा है ठीक है सम बड़ी ट्राइड बी आल्सो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको आप समझ में आ गया हो तो बड़ी अच्छी बात है और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग घर पे भी सेंटेंसेस बनाए ओके okay, एंड uh, uh, कल टीम वेलकम डियर वेलकम तो कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग थिंग्स अच्छे से करते रहिए नंबर एट पे हमारे पास है फॉर माई मनी ये आसान नहीं है बेटा ये आसान नहीं है फॉर माई मनी इसका एक्चुअल मीनिंग होता है मेरे विचार से इसका एक्चुअल मीनिंग होता है मेरे विचार से फॉर माई मनी इट्स ओके किसी ने पूछा भाई आपका क्या विचार है इसके बारे में क्या हमें यह करना चाहिए क्या यह ठीक है या नहीं है किसी ने मेरे से पूछा कि यह ठीक है या नहीं है तो मैंने उसे कहा फॉर माई मनी फॉर माई मनी इट इज ओके तो मतलब क्या निकला इन माय इन माय ओपिनियन मेरे विचार से ये ओके okay है इसमें कोई कमी नहीं है थैंक यू फॉर राइटिंग आई थैंक यू फॉर राइटिंग अरुण कुमार सेज बी थैंक यू फॉर राइटिंग एंड कीर्ति राग्नि हैज रिटन इन माय ओपिनियन कीर्ति सिंह हैज आल्सो गिवन एंड यस इन माय ओपिनियन एंड वंस अगेन रागनी हैज स्टार्टेड द वेरी हिंदी ओह दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नंबर नाइन पे और नंबर नाइन पे है हैव फीट ऑफ क्ले यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि मैनी पीपल बहुत दुनिया में ऐसे लोग होते हैं मैनी पीपल हैव मैनी पीपल हैव फीट ऑफ क्ले मैनी पीपल हैव फीट ऑफ क्ले इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका अपने कैरेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं इवन द टॉप जीनियस जो होते हैं उनके जीवन में भी कुछ कमियां रह जाती हैं ठीक है तो टू हैव अ डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर टू हैव अ डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर वो होता है फीट ऑफ क्ले चलिए भाई सभी का आंसर ठीक होना चाहिए अगर नहीं ठीक होता है कोई बात नहीं सीखने का मौका है ए इज द राइट right आंसर कीर्ति सिंह शारदा सोमान All have given the right answer. Thank you राइट Carry on यू गाइस कैरी ऑन लर्निंग एंड कैरी ऑन गिविंग से काम करते रहे आगे बढ़ते रहे यहां पर है अरुण कुमार कह रहे हैं A। Thank you अरुण Thank you। चलिए भाई ऑल ताम्स मान लीजिए आप एक पार्टी में गए एक पार्टी में एक व्यक्ति आया और बड़ा ना अनकंफर्टेबल सा फील करा उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कैसे उठानी है क्या करना है बड़ा ही अजीबो गरीब से वो पेश आ रहा था तो ही ऑल थम्स इन द पार्टी ही वॉज ऑल थम्स इन द पार्टी थी डज इट मीन नाउ कि ही वॉज वेरी ऑकवर्ड इन द पार्टी पार्टी में वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था थैंक यू फॉर राइटिंग सोमान एंड शारदा कीर्ति सिंह वेरी ऑकवर्ड यू हैव रिटन थैंक यू Yes, Yes guys guys and and uh, and has written B and, uh, says okay, yes, sir, and, uh, now, also says sir B, now B, B. All right, very nice guys. So, इस तरह से आपने देखा हमने five one word substitution को complete किया और five हमने idioms को complete कर लिया तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे पांच 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 करते चले जाए और आगे बढ़ते जाए ताकि हमारे पास maximum मैक्सीम जो है चीजें जो है इंटरेस्ट में लेकर हम कर सकें एक ही दिन में अगर लगातार 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 आप वन वर्ड करते चले जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा मन टनस हो जाएगा उसमें इंटरेस्ट जो है हम लूज करना शुरू कर देते हैं अगर डिफरेंट चीजें आती चली जाती हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है स्काई हाई हो जाता है हमें लगता है यस हमें सीखने को बड़ी सारी चीजें मिल रही हैं ओके आगे देखते हैं नंबर इलेवन पे क्या शुरू करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फाइव क्वेश्चन है ध्यान से करिएगा आ, रागनी श्रीवास्तव से लिख नहीं पाई हिंदी इस बार नो प्रॉब्लम बेटा नो प्रॉब्लम कोई इतना वो जरूरी नहीं है आ, बीच बीच में यस yes, जब भी आपको लगता है तो यू आर कंफर्टेबल यू कैन टाइप तो यहाँ पर इस बार हम करने जा रहे हैं लद्दाखेज कोई बताना चाहे आप में से अभी अभी शारदा और कीर्ति का आंसर आया सी सी एंड सुमन कह रही है बी एंड रागनी ने लिखा है विसाइड एंड राजीव कह रहे हैं सी चलिए भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे इसमें सुमन का ये आंसर ठीक है यहां पर अबव ही आएगा देखिए ये आंसर को समझना पड़ेगा ये आसान नहीं है अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपने कई बार देखा होगा अबव वर्ड का यूज क्या होता है इन द नॉर्थ ऑफ अबव का एक मीनिंग होता है इन द नॉर्थ ऑफ तो लद्दाख कहां पर है लद्दाख जो है इज इन द नॉर्थ ऑफ दिल्ली लद्दाख जो है दिल्ली के नॉर्थ में है तो अगर इन द नॉर्थ ऑफ की बात करनी है तो अब लगा देते हैं इन द साउथ लगाते हैं तो बिलो का यूज कर देते हैं आई होप आपको सभी को क्लियर होगा होगा जल्दी में कोई कोई दिक्कत नहीं करती अगर गलती हो भी जाए तो भी टेंशन नहीं लेनी है हम लोग यहां किस लिए मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस में कई बार चीजें आती हैं बहुत अच्छी बात है नहीं आती है तो सीख रहे हैं तो जस्ट यू नो स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट इंजॉय द सेंटेंसेस उनका मजा ले लेकर करो ताकि आपको पता चले कि यस ऐसे सेंटेंसेस को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं और राइट right, आगे बढ़ते हैं नंबर ट्वेल्व और नंबर ट्वेल्व पे है शी इज ब्रूडिंग वो बड़ा ही गहरी सोच रही है गहरा गहरी सोच में कि उसने क्या कहा था उसके शब्दों पे चलिए शाबाश बेटा लिखिए बढ़िए बढ़, बताइए इसके बारे में कीर्ति सिंह कह रहे हैं सी ओके अब ध्यान देना है जब कोई व्यक्ति ब्रूड करता है तो किसी चीज पर ब्रूड ओवर किसी चीज पर के ऊपर ब्रूड करता है तो याद रखना है ब्रूड के साथ आप कौन सी ऑप्शन लगाने वाले हैं ओवर का इस्तेमाल करने वाले हैं ऑलरेडी सुमन ने लिख दिया है ए ठीक है आ, मीन आई कैन सी पिंटू कुमार पाल सिंह कह रहे हैं फॉर आना चाहिए बेटा देखिए फॉर का एक और अच्छा एग्जाम्पल देखिए सभी बच्चे ध्यान ध्यान देना देना सभी बच्चे यू विल इंजॉय लर्निंग ये मेरी फिर से गारंटी है अगर 30 साल से ज्यादा हो गया मुझे टीच करते हुए तो मैं चाहूंगा कि जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है जितनी नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ ताकि आप उसका मैक्सिमम यूज कर पाए ठीक है ना मैं अक्सर अपने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता होता हूं कि उजाले अपनी यादों के मेरे संग रहने दो ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए तो मैं चाहूंगा कि यस इस लाइफ को खत्म करने से पहले पहले ठीक है कुछ ऐसी नॉलेज जो है बच्चों तक पहुंचा देनी चाहिए जो मैंने साथ ले कर, कर क्या करना है तो जो है ना नॉलेज को स्प्रेड कर देना चाहिए आप तक पहुंचेगी आप आगे फैलाएंगे ठीक है तो चलिए भाई यहां पर देखते हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर को दिस इज गुड मेडिसन दिस इज अ गुड मेडिसन डैश कैंसर इस चीज को समझना जरूरी होता है ये एग्जाम्पल्स में अक्सर देता हूं अपने स्टूडेंट्स को ओके गाइज आर गिविंग थम्स अप थैंक यू गाइज चलिए भाई दिस इज अ गुड मेडिसिन आ, ये मैंने स्पेशली लिखा ये वाला मैंने सेंटेंस स्पेशली लिखा आ, शायद राजीव के लिए राजीव आपने शायद कुछ फॉर लिखा था क्या लगता है आपको इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए जी कीर्ति आई हैव रेड योर कमेंट सुमन मैंने पढ़ लिया पढ़ लिया बेटा मैं जानबूझ के वेट करवा रहा हूं पिंटू यस पिंटू ठीक है जिन बच्चों ने फार कहा था राजीव या, या पिंटू आप लोग समझियो हमें लगता है ये पढ़कर इस सेंटेंस को अब सुमन जो है उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है अगेंस्ट आना चाहिए यहां पर होता क्या है कि हमें लगता है यार ये मेडिसिन है ठीक है कैंसर के लिए है। अर्थ क्या हो जाएगा इसका अर्थ ये हो जाएगा पिंटू ध्यान से सुनना कि मान लीजिए एक व्यक्ति को एक ऐसे मेडिसिन दी ये ले ले गुड मेडिसिन फॉर कैंसर ले ले कैंसर हो जाएगा फॉर कैंसर कैंसर के लिए है जबकि दवा ली किस लिए जाती है दवा ली जाती है रोग की रोकथाम के लिए उसके अगेंस्ट दी जाती है दवा इसीलिए जब आप डॉक्टर के क्लिनिक पर जाते हैं तो वहां पर बड़ा बड़ा लिखा होता है वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी कोविड नाइनटीन और ब्ला 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 सब कुछ ऐसे लिखा होता है तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा पिंटू इज इट क्लियर क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं तो मेरे को लगता है यस उनको यह बता देना चाहिए कि हाँ हमें थोड़ा सेक्शंस uh, को समझना भी होगा ठीक है बेटा ठीक है पिंटू थैंक यू पढ़ लिया मैंने आपका मैसेज भी हाँ बस यही होता है कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में आ रहा है और थोड़ा सा भी गलती करा है तो मुझे यह लगता है कि नहीं उससे बता देना चाहिए नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज अ डीप हैचर नेचर के साथ उसका एक खास लगाव है एफिनिटी कहते हैं हिंदी में लगाव इंग्लिश में आप कह सकते हैं फॉरनेस और लाइकिंग को कि उसका नेचर के प्रति एक खास लाइकिंग है नेचर के साथ उसका एक खास संबंध है थैंक यू रागनी थैंक यू फॉर राइटिंग यस विद इज द राइट आंसर विद इज द राइट आंसर ठीक है स्पेशल केसेस में फॉर भी होता है स्पेशल केसेस में फॉर का भी हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशल केसेस में एफिनिटी बिटवीन भी होता है एफिनिटी बिटवीन भी होता है लेकिन ये चीजें अभी नहीं अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा अभी हम लगाव दिखा रहे हैं किसी चीज के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज के साथ लगाव होना आप उसके लिए विद का इस्तेमाल कर रहे हैं यह चीज फिर मैंने बोली क्यों कि फॉर भी हो सकता है बिटवीन भी इसलिए कि क्योंकि कई बार नए बच्चे होते हैं बीच में उनको यह ना लगे कि सर को इसके बारे में नहीं मालूम सर एक ही चीज बता रहे हैं तो मुझे मालूम है और भी इनके यूजेस हैं पर मैं अभी बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी एक एक स्टेप लेकर चलता हूं यह मेरा एक जिसे कह सकते हैं स्वभाव है कि मैं चाहता हूं बच्चे आसानी से सीख पाए और राइट आगे बढ़ते हैं नंबर फोर्टीन की ओर नंबर फोर्टीन पे है एज अपन राइडर शी लाइक्स टू सेट इट्स अ गुड वन अच्छा सेंटेंस है ओके okay, सुमन हैज गिवन द आंसर थैंक यू सुमन फॉर राइटिंग एस्ट्राइड हैज रिटन इन हिंदी वेरी नाइस थैंक यू जी सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है स्ट्राइड का मतलब होता है वन लेग ठीक है वन लेग ईच साइड जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए हॉर्स पे बैठेगा तो हॉर्स पे कैसे बैठेगा आप सभी को मालूम है हॉर्स पे बैठेगा वन लेग एंड वन लेग यू अंडरस्टैंड तो ईच साइड पे लेग्स जा रही हैं। तो अगर वो बाइक पे बैठी है स्कूटर पे बैठी है यानी पिलियन राइडर होता है जो पीछे बैठा हुआ

ऐसे वाले सेंटेंसेस में मैंने कई बार देखा है बच्चों से गलती हो जाती है पर मैं चाहूंगा कि आप अच्छा सीखें रागनी हैज गिवन द आंसर इन ओके कीर्ति से इज बाय पिंटू से इज ओवर एंड कीर्ति से इज बाय चलिए भाई सभी का आंसर गलत है आंसर इज ऑन आंसर है ऑन ठीक है अब समझिए क्यों गलती हुई किस वजह से हुई स्टॉप टाइपिंग स्टॉप टाइपिंग टाइपिंग बंद करके हम समझते हैं थैंक यू सोमन फॉर राइटिंग देखिए क्या होता है जब आप यातायात के साधनों की बात करते हैं और हमें स्कूल से ही सिखा दिया जाता है कि बाय बस होता है बाय कार होता है ठीक है बाई ट्रेन होता है बाई सी होता है बाई एयर होता है ये हमें सिखाया जाता है तो ये गलत नहीं होता ठीक है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधनों के साथ, साथ बाइक का यूज करते हैं ठीक लेकिन आपने एग्जाम में क्या ध्यान देना होगा क्या यहां पर आपने नोटिस किया एक आर्टिकल दे रखा है क्या दे रखा है आपके पास यहां पर एक डिटर्मिनर दे रखा है आर्टिकल दे रखा है ए का यूज हो रखा है अगर आर्टिकल दे रखा होगा तो समझ जाना वहां पे आपने बाय का यूज नहीं करना है बाय स्थान पर किसी और प्रेपोजिशन का यूज होगा अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो आप ऑन का यूज करेंगे ठीक है अगर अपनी प्राइवेट है हमारे पास तो हम इनका जैसे कि समझ लेना पहले इसको ही Goes to office. वो office जाता है। सभी बच्चे ध्यान से देखना। He goes to office by bus. ये तो हो गया यातायात के साधन। By bus. अब मैं कह रहा हूँ। He goes to office. He goes to office on a bus. अब आपने देखा मैंने पहले बाय बस लिखा इस बार ऑन बस लिखा क्योंकि आर्टिकल दे दिया मैंने ऑन बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं इन आका अब आपने देखा मैंने इन क्यों लगाया बाई क्यों नहीं लगाया क्योंकि यहां पर पहली बात आर्टिकल आ रखा है और नंबर दो यहां पर क्या दे रखा है कार जो कि एक निजी वाहन है निजी तो इस वजह से आपने देखा प्रेपोजिशन यहां पर बी चेंज हो गई उसी तरह से अगर वो हेलीकॉप्टर में जा रहा है ठीक है तो 99.99% केसेस में वो पब्लिक ही ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है कोई बहुत कम दुनिया में ऐसे चंद लोग होते हैं जिनके अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं तो हम उनकी साधारण मतलब हम साधारण बात करें यूजुअल सिनेरियो की बात करें अनयूजुअल की या एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे हैं तो ऑन हेलीकॉप्टर तो एक बार सभी बच्चे बताएं कि सभी को यह पॉइंट क्लियर आपका कमेंट मेरे लिए मायने रखता है ताकि मुझे लगे कि अगर मैं इतनी एनर्जी लगाता हूं क्लास में तो मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए शारदा सेज़ यस सर एंड थैंक यू थैंक यू फॉर राइटिंग चलिए भाई सुमन थैंक थैंक thank यू पार्वती रागनी श्रीवास्तव से क्रिस्टल क्लियर ऑल राइट गाइज ऑल राइट तो ये था आपके वॉट यू कॉल इट फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन अब आगे हम चलने जा रहे हैं एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन को तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे यस yes, कीर्ति चलिए भाई बहुत ही अच्छा सेंटेंस है पर इतना आसान भी नहीं है सभी बच्चे ध्यान से करेंगे इट इज वाइटल दैट ही गो देयर सभी बच्चे ट्राई करेंगे और मैं सिखाना चाहूंगा कि आपको अच्छे से सेंटेंस के बनावट पता होनी चाहिए वाक्य कैसे होता है वाक्य में कहां गड़बड़ हो सकती है रागनी कह रहे हैं बी पॉइंट में बी में एरर है ओके वेरी नाइस वेल ट्राइड कोई और आप में से ट्राई करना चाहे सोहन भी कह रहे हैं बी में कीर्ति भी कह रहे हैं बी में दिक्कत आ रही है तो मेरे को जो लग रहा है जो मुझे फील हो रहा है आपको लग रहा होगा कि ही के साथ गो तो आ नहीं सकता क्यों क्योंकि आप लोगों ने यह सीखा हुआ है कि ही के साथ शी के साथ इट के साथ और किसी भी सिंगुलर नाउन होने पर हम क्या करते हैं वर्ब में वर्ब में हम एस या एस का प्रयोग करते हैं ये एम राइट गाइज पहले तो ये बताओ आपने यही सोचा जो मैंने कहा एंड सुधांशु यस सवाल हैज ऑलरेडी रिटन ही गोज वेरी नाइस थैंक यू बेटा थैंक यू फॉर राइटिंग कुमारी चलिए इसलिए इसलिए ये सेंटेंस बनाता हूं ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि एसएससी प्री और एसएससी मेंस लेवल तक आते आते हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है जो ज्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं सबसे पहला पॉइंट सभी बच्चे ध्यान देना सबसे पहला पॉइंट कि इस पूरे सेंटेंस में एरर ही नहीं है पहली बात इसमें कोई एरर ही नहीं है अब सीखते हैं कि सर ही के साथ आपने गोज क्यों नहीं किया ही शी इट होने पर सिंगुलर नाउन होने पर हम क्रिया में एस और यस लगाते हैं यस लगाते हैं बट हर जगह संभव नहीं है अब समझो क्यों यहां देखिए जब भी एग्जाम में जब भी एग्जाम में इट इज इट इज इट वॉज ये आ जाए एडजेक्टिव क्या लिखा मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट इट इज वाइटल इट इज नेसेसरी इट इज एप्लीकेबल आप इट के साथ जब एक एडजेक्टिव लगाते हैं सभी बच्चे ध्यान से सुनना इट इज प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं और साथ में क्या लिखा हो ये ये जरूरी है ये है खेल चेंज करने वाला क्या चीज लिखी हुई है यहां पर अगर इट के साथ कोई भी एडजेक्टिव और साथ में क्या दे दिया जाए दैट दे दिया जाए तो आगे हम बेस वर्ब का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं बेस वर्ब अब ये बेस वर्ब कौन सी होती है समझ गया आप जिसको आप ये कह सकते हैं इसमें एक सेकंड बेटा इसको इरेज करता हूं फिर उसके बाद यहां दोबारा लिखते हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं बेस वर्ब बेस वर्ब का मतलब हो जाता है जिसको आप साधारण शब्दों में आप जो कहते हैं ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है तो उसी को आप क्या कह रहे हैं यहां पर बेस बेस वर्ब वर्ब क्योंकि का एक्चुअल मीनिंग हो जाता है जिसमें ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा ना आई एन जी लगेगा ना ईडी लगेगा कुछ नहीं परिवर्तन ही नहीं होगा वही का वही रखना होता है तो फटाफट फ़ड़ से एक बार कमेंट करके बता दें क्या आपको यह रूल क्लियर हुआ कि इट इसके साथ एडजेक्टिव और डेट दे रखा हो तो आगे आपने कौन सी वर्ब यूज करनी होगी बेस वर्ब का यूज करना होगा फटाफट से एक बार कमेंट कर दे ताकि पता चले यस बच्चों को सीखने को मिला यस सेज श्रीवास्तव थैंक यू चलिए भाई बहुत अच्छी बात है सुमन भी कह रहे हैं क्लियर है शारदा भी कह रहे हैं पार्वती भी कह रहे हैं सुलंकी पार्वती आई सपोज यू ज्वाइन लेट शायद आप लेट आए हैं क्योंकि मेरे ख्याल से शायद पहला कमेंट पड़ा है मैंने आपका चलिए भाई आगे सुधांशु जसवाल कर रहे हैं सर कुछ एडजेक्टिव बता दीजिए यस yes, बेटा सुधांशु वाई नॉट क्यों नहीं बेटा जैसे मैंने अभी भी बोला इंपॉर्टेंट क्या है एडजेक्टिव ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट लिख लो इंपॉर्टेंट के बाद इट इज वाइटल लिख लो वाइटल के बाद इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी इट इज एडवाइजेबल यहां पर मैंने ई कर दिया तो आप चाहें तो आप चाहें तो कभी भी आप मेरी आ, एक क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पे ही क्लासेस अवेलेबल हैं Rise Smart पे क्लासेस अवेलेबल है उस टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए सब जंक्टिव क्या है कि ज्यादातर लोग इस टॉपिक को पढ़ाते ही नहीं है और जबकि एसएससी के पेपर्स में अगर आप देखेंगे ठीक है प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो सब्जेंटिव को लेकर हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हमें सब्जेंटिव टॉपिक के बारे में जानकारी का होना जरूरी है और सब्जेंटिव का मतलब ही क्या है बेस वर्ब का यूज कहां कहां कैसे कैसे होता है ठीक है तो आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं पूरा डिटेल में और राइट right, आगे बढ़ते हैं नंबर सेवनटीन पे और नंबर सेवनटीन पर है शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग एज शी इज डाउन विद्लू वेरी गुड क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है बट इट्स नाइस वन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है पहले तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई ट्राई करे उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं एंड मीन सी इन द्रीन पे नजर आ रहे हैं नेम्स uh, जो नजर आ रहे हैं इस समय सुमन शारदा पार्वती सुधांशु uh, रिमझिम

टेंड द मीटिंग है शी इज डाउन विद फ्लू शी इज डाउन विद फ्लू अवर डॉक्टर इज डाउन विद फ्लू हमारा डॉक्टर भी बीमार है तो आई होप आपको समझ में आ गया या फिर अगर आपने आर्टिकल अगर लगाना है तो कौन सा आर्टिकल लगाओगे दा का यूज करेंगे शी इज डाउन विद द फ्लू यानी जो फ्लू आजकल चल रहा है तो उस केस में आप क्या लगा सकते हैं द फ्लू या तो सिर्फ फ्लू लगाएंगे या दा फ्लू लगाएंगे इज इट क्लियर एवरी वन उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी सभी को क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं नंबर एटीन नंबर एटीन पे वंस अगेन आ गुड क्वेश्चन योर मशीन इज स्टिल इन गारंटी आपकी मशीन अभी भी गारंटी में है आपकी मशीन अभी भी गारंटी में है कमन गाइज लास्ट टाइम का मैंने आंसर सबका देख लिया था कीर्ति सिंह का सुमन का रिमझिम कुमारी का सुधांशु एंड सुमान ठीक है सबका मैंने आंसर चेक कर लिया था अब बारी है इस बारी की और यहां पर रागनी श्रीवास्तव कह रहे हैं कोई एरर नहीं है कीर्ति सिंह कह रहे हैं सी में एरर होना चाहिए और उन्होंने पूरा प्रॉपर दिया भी है कि इन गारंटी में दिक्कत आई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कीर्ति बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट ठीक है सभी बच्चे ध्यान रखेंगे अगर कोई चीज अभी भी गारंटी में है तो उसके लिए हम इन गारंटी नहीं अंडर गारंटी लिखते हैं सभी बच्चे ध्यान कई बार जल्दबाजी में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो हो सकता है तो एनीवे आई एम हैप्पी आई एम कि आप लोगों का आंसर्स ठीक आ रहे हैं ठीक है इससे पता चलता है कि यस जो अगर पढ़ने लिखने का अगर पैशन हो और लैंग्वेज को लेकर पैशन हो तो इट्स अ गुड थिंग क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाली चीजें हैं आगे बढ़ेंगे हम नंबर 19 पे और नंबर 19 पे है नाना ना, वॉज इंजर्ड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन में जब बच्चे गलती करते हैं तो तब मेरे को तकलीफ होती है मुझे लगता है नहीं ऐसे क्वेश्चन को भी मेरे को समझाना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा अगर पॉइंट को क्लियर नहीं कर रहा है तो उसको समझ आना चाहिए सुधांशु कह रहे हैं क्रिस्टल क्लियर सर थैंक यू बडी थैंक यू फॉर कमेंट ऑफ योर्स तो यस यस रागनी येस आपका आंसर ठीक है सुमन योर आंसर इज आंसर दिया है ठीक है तो यहां पर यस नन ऑफ की बजाय होना चाहिए नीदर सभी बच्चे जो बच्चे इस समय क्लास में हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अभी, के अभी क्लियर हो जाएगा नीदर का यूज करें हमेशा दो के लिए नीदर का यूज करें दो के लिए दो से ज्यादा हैं तो नन का यूज करें ठीक है ना या हैंड्स की बात हो रही है आम तौर पर सामान्य अवस्था में दो ही हाथ होते हैं ठीक है ना हम असमान्य अवस्था की बात नहीं कर रहे ना हम कोई देवी या देवताओं की बात कर रहे हैं ठीक है हम सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं तो सामान्य अवस्था में दो हाथ होते हैं तो दो के लिए आपको किसका यूज करना है नीदर का यूज करना है इसलिए यहां पर नन नहीं होना चाहिए नीदर का यूज होना चाहिए और राइट right. आगे बढ़ते हैं नंबर ट्वेंटी पे और नंबर ट्वेंटी है देर आर मैनी एडवांटेजेस इन देर आर मैनी एडवांटेजेस इन डूइंग दिस कोर्स इस कोर्स को करने में बहुत सारी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं फायदे हैं अच्छा क्वेश्चन है बेटा ध्यान से समझना सुमन कह रहे हैं बी रागनी कह रहे हैं बी शारदा कह रहे हैं बी सुधांशु जैसवल कह रहे हैं सर बहुत गलत हो रहा है कोई 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 को दिक्कत नहीं बेटा होने दो सुधांशु बेटा अगर सब कुछ ही आता हो तो हम YouTube पे आकर क्लासेस क्यों करें क्यों टाइम वेस्ट करें सीखने के लिए आए हैं ना आ, आज आप अपना स्कोर चेक कर लीजिए और रेगुलर रहना मेरी क्लास में चैलेंज के साथ कहता हूं कि टाइम आएगा आप खुद कहोगे आके कि सर एक टाइम वो भी था एक टाइम ये भी है कि मेरे दस में से दस ठीक आते हैं ठीक है फुल मार्क्स तक पहुंचाऊंगा आपको बट डेडिकेशन चाहिए मेरे को ठीक है डेट इज वॉट आई रिक्वायर ओके चिंता मत करो मिठाई उठाई नहीं मांगूंगा आपसे राइट बल्कि मैं ही खिला दूंगा आपको तो यहां पर सभी बच्चे अब ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन को देखकर 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट जो है लोग सोचेंगे यहां पर ऑफ का यूज होना चाहिए देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ पहले तो यह बताओ जो मैं कह रहा हूं यही सोचा था आपने यहां पर ऑफ आना चाहिए रागनी सुमान कीर्ति <laughs> रागनी नाइस स्टेटमेंट एनीवे anyway, चलिए बेटा फटाफट फड़ से सभी बच्चे करें यस सोचा यही था कि यहां पर मन में आ रहा कि एडवांटेजेस के साथ ऑफ आता है सभी बच्चे सभी बच्चे और जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता जब हम व्यूज चेक करते हैं बाद में तो देखता है कि कई बच्चों ने बाद में क्लास ली अगर आप में से कोई बच्चा बाद में देख रहा है तो मैं उस बच्चे को भी यह कहना चाहूंगा कि देखिए सामान्य तौर पर एडवांटेजेस के साथ ऑफ का ही यूज होता है जैसा आपने सोचा ऑफ का ही होता है बट अगर एडवांटेजेस से पहले मैंने लिखा हुआ आ जाए सेवरल सेवरल मीन्स बहुत सारे ठीक है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ठीक है अ लॉट ऑफ या लॉर्ड्स ऑफ लिखा हो मीन्स अनेक हो गया अगर एडवांटेज से पहले अनेक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो आप इन का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से इसमें कोई एरर नहीं है तो बोलिए भाई कुछ नया पॉइंट सीखने को मिला करिए बेटा शाबाश राइट चलिए आगे बढ़ते हैं गुड नंबर ट्वेंटी वन प्लीज अब आ गया हमारा लास्ट का और यहां पर हम करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट इज सिनोनीम क्या लगता है नेर ने का सिनोनिम क्या होना चाहिए क्या सर मैंने के uh, प्लेस पर मच्छ का uh, देखिये बेटा सुधांशु मच्छ का प्रयोग करेंगे जब आप अनकाउंटेबल की बात करेंगे अनकाउंटेबल की ठीक है अगर एडवांटेजेस को हमारे पास एक एडवांटेज ये है दूसरी एडवांटेज ये है तीसरी फायदा ये है चौथा फायदा ये है जो फायदे हम काउंट कर पा रहे हैं एडवांटेजेस क्या है काउंटेबल नाउन है काउंटेबल के साथ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ मच का प्रयोग करते हैं चलिए भाई आ, यहां पर सभी बच्चे देखेंगे ने शेयर वो लोग होते हैं जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं मान लीजिए मान लीजिए जैसे हमारी ही हमारी क्लास शुरू हुई थी तो कोई बच्चा हमें तंग कर रहा था ठीक है वो कुछ, कुछ 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 लिख रहा था ठीक है मैंने क्या बोला कोई बात नहीं बच्चों से ऐसा हो जाता है थोड़ा कुछ मजाक के मूड में होता है कभी कुछ होता है तो हमने क्या किया वो हमारे काम में थोड़ा सा कुछ क्रिटिसिजम ढूंढना चाह रहा होगा हो सकता है मूड में होगा एनी anyway, हमने क्या किया हमने क्या सीखा इग्नोर द नेयर इग्नोर द ने सेयर जो बाधा डालने वाले हैं क्रिटिसाइज करने वाले हैं डिनाय करते हैं चीजों को काम को करने से मना करते हैं रोकते हैं बाधा डालते हैं उन्हें हम नेयर कहते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको सभी को क्लियर हो गया होगा यस ये आई हैव रेड द वर्ड डिनायर आपने लिखा हुआ है ठीक है डिनाय करने वाले और राइट नंबर ट्वेंटी सेकेंड प्लीज ड्रिवल आई ऑलरेट आई काउंट ऑलरेट सच ड्रिवल काउंट टॉलरेट सच ड्रिवल अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि मेरे से ये नॉन सेंस बर्दाश्त नहीं होगी नॉन सेंस ठीक है सुधांशु ध्यान देना नॉन सेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं बेटा यस आसमान योर आंसर आई है शारदा आई है वंडरफुल यू गाइज आर डूइंग स्वेल जॉब एज ऑलवेज एस ऑलवेज यू गाइज आर डूइंग जॉब आई आम प्रेस येस एंड की प्लानिंग एंड कीपूइंग थिंग अवे यू आर डूइंग राइट नाउ थैंक यू नेक्स्ट वन ट्वेंटी थर्ड इज गेथी गेटी ये आप लोगों ने शायद वर्ड इस्तेमाल भी किया हो पढ़ा भी हो इसका हम यूज करते हैं खास तौर से जब हम हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं खुशी को ठीक है आ, दर्शाते हैं उस खुशी के लिए हमारे पास वर्ड हैप्पीनेस यहाँ पर गेवन है तो गेठी जो है उसका संबंध हैप्पीनेस से है यस थैंक थैंक यू यू। फॉर राइटिंग ए ए ए। ओके भाई आगे देखिए याद रखना ठीक है याद रखना स्लैब डैश से पहले वेरी शब्द का भी प्रयोग संभव है लापरवाह बंदा है केयरलेस है हर काम को फटाफट उल्टा सीधा कर देता है तो केयरफुल नहीं है केयरलेस है याद रखना केयरफुल नहीं है केयरलेस है केयरलेस के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और राइट सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टेटली स्टेटली का मतलब होता है भव्य शानदार मैजेस्टिक ग्रैंड ग्रैंड डिग्निफाइड स्टेटली अवार्ड स्टेटली वेलकम ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी हमने पॉइंट्स चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हों या आपके वो कैप से रिलेटेड हों सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इसी तरह की जो क्लास नेचुरली कल की क्लास में इसी तरह से मैं फिर से 25 क्वेश्चंस को लेकर इस सीरीज को बढ़ाता चला जाऊँगा ताकि आपके हर पॉइंट यानी चाहे वो ग्रामर के अलग अलग सेक्शंस में से नाउन में से प्रोनाउन में से एडजेक्टिव में से एडवर्ब में से हर जगह से थोड़ा 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 रोज लेते चले जाएंगे ताकि आपके सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर होते चले जाएं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर खुश रहें गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू थैंक यू